ग्रेट मॉर्निंग एवरी वन, ग्रेट मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पेज ऑफ द एनसीईआरटी बुक ऑफ द थर्ड लेसन इन 11th क्लास. इन दिस लेसन फर्स्टली आफ्टर बिफोर द रीडिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम वर्ड मीनिंग. सो लुक एट बोर्ड. क्लास 11th चैप्टर थर्ड. चैप्टर इज थर्ड डिस्कवरिंग टर्टुदा सागा कंटिन्यू. एंड वर्ड मीनिंग इज हियर पेज नंबर 25th एंड 26th. दीज आर ऑफ एनसीईआरटी बुक. क्लियर. सो फर्स्टली वी आर डूइंग वर्ड मीनिंग एंड इट इज हियर डिटैचमेंट. फर्स्ट इज डिटैचमेंट मीन्स सेपरेशन, अलग या अलगाव, डिफरेंट. नेक्स्ट सर्कमवेंटेड, चीटेड और बेम्बूजल, धोखा. धोखा. नेक्स्ट रिप, कट, काटना. नेक्स्ट इज स्वीट. स्वीट होता है कैप्सूल और स्कैबा. स्कैबा इसको म्यान बोलते हैं. म्यान, म्यान जो, या फिर उंगलियों में जो पहनते हैं कवर, जिसको हम कवर ही बोल सकते हैं, कवर कह सकते हैं उसको, कवर. क्लियर. जो उंगलियों में ऐसे पहनते हैं दैट इज स्वीट. नेक्स्ट इज हियर कंसील. कंसील मीन्स हाइट, छिपाया. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी तो पुरातत्व, पुरातत्व, पुरातत्व. आई हैव टोल्ड यू आर्कियोलॉजी दैट थिंग विच स्टडी द एंशियंट थिंग विच इज ब्रीड इन द अर्थ. वी कैन सी जो पुरानी चीजें जो दबी हुई है तो उनको निकाले, उसको उसको अध्ययन करना, दैट इज आर्कियोलॉजी. नेक्स्ट इज हियर सोफेस्टिकेटेड. सोफेस्टिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड मीन हियर कॉम्प्लेक्स और या फिर रिफाइंड. ही कॉम्प्लेक्स इसको जटिल भी बोलते हैं और रिफाइंड. प्रिस्क्रिप्ट इसको, ये भी होता है प्रिस्क्रिप्ट. प्रिस्क्रिप्ट प्योर किया हुआ, रिफाइंड. और जबकि इसका मीनिंग यहाँ पे ये बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स का. इन दिस चैप्टर वी यूज हियर कॉम्प्लेक्स. सोफेस्टिकेट. रीजन, रीजन मीन्स तार या फिर सलीवा. नेक्स्ट इज हियर डिमाइस. डिमाइस मीन हियर डेथ. डिमाइस, डेथ. नेक्स्ट इज डेंसिटी. डेंसिटी मीन ब्लड रॉयल, ब्लड रॉयल, जिसको राजवंश बोलते हैं. राजवंश, राजवंश. क्लियर. नेक्स्ट इज इनिशिएटेड. स्टार्टेड, इनिशिएटेड मैंने स्टार्टेड, आरंभ किया. आरंभ किया, स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स दीज आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. एंड नाउ आफ्टर दिस दीज वर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग सेक्शन. सो लेट्स ओपन योर नोटबुक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस. तो अपने डिफेंस में कार्टर के पास एक लिटिल चॉइस थी. इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को काटकर फ्री नहीं करता तो थीप्स मोस्टली सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड. तो चोर अवश्य ही उसको धोखा दे देते. सर्कमवेंटेड मीन चीट करना, चीट. सर्कमवेंटेड, चीटेड, धोखा. द गार्ड, तो गार्ड को वो धोखा देते थे. एंड रिप्ड इट अ पार्ट. रिप्स मीन कट, और उसको काट कर अलग कर दे. टू रिमूव द गोल्ड, गोल्ड को रिमूव करने के लिए. इन द टर्ड्स टाइम द रॉयल वर्स फेबलेसली वेल्दी. फेबलेसली मीन शानदार रूप से, फेबलेसली, फेबलेसली होता है शानदार रूप से, शानदार, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, शानदार रूप से. तो बड़े अच्छे, शानदार मतलब बहुत अच्छे, मेरे यहाँ पे अच्छे धनी थे. और एंड दे थॉट और द होप दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम. दे थॉट दैट दे कुड टेक देयर
रिचेज, रिचेज मीन हेयर वेल्थ विद देम, वो सोचते थे कि अपने धन को वो अपने साथ ले जाएंगे, फॉर इज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और अपनी जर्नी के लिए द किंग टट वॉज लविश विद अ ग्लिटरिंग गोल्ड, एंड लविश मीन लाद दिया गया, सजा दिया गया उसको ग्लिटरिंग गोल्ड, मैंने चमकदार श्वाइनिंग गुड्स, जैसे प्रीशियस कॉलर, कीमती उसके कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, नेकलेस हार, ब्रासलेट, हाथों के बाजू पे बांधने के ब्रासलेट, बाजूबंद जिसको बोलते हैं, रिंग्स, एमुलेट, एमुलेट होता है ताबीज, सरमोलिन एप्रॉन, कपड़े, समारोह कपड़े, अच्छे कपड़े, सेंटाल, चंदन, सीट्स, सीट्स होता है म्यान, या फिर कवर जो उंगलियों को रखते हैं, फॉर हिज फिंगर एंड टो, उसकी उंगलियों और जो पैर के अंगूठे हैं उनको रखने के लिए सीट, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो आइकॉनिक इनर कॉफिन, तो कॉफिन के अंदर जो सजावटी चीज़ें और जो मास्क, ये सब चीज़ें रख दी गई, आफ्टर दैट इज सो दैट ही कुड यूज देम, all of the pure gold, but all things which was also buried with the dead body, all of pure gold, to separate it from his adornment, adornment means सजावट का जो सामान था उसे separate करने के लिए, उसे अलग करने के लिए, Carter's men removed the mummy, Carter के आदमियों ने जो है mummy को हटाया, mummy के head को, and severed nearly every major joint, वो लगभग प्रत्येक मेजर ज्वाइंट को उन्होंने रिमूव किया, वंस दे हैड फिनिश, अगर एक बार तो उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, तो दे रीअसेंबल द रिमेन, फिर दोबारा से उनको रीअसेंबल किया, जोड़ा उन द लेयर ऑफ द सैंड, जो लेयर थी, एक परत थी जो रेत की, उसके ऊपर इन द वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स में, विद पैडिंग, पैडिंग होता गद्दा वगैरह लगा के, दैट कंसील द डैमेज, और जहाँ पे उसकी डैमेज को, हिस्से को छुपाया, वी हर द टट वर रेस्टिंग नाउ, जहाँ पर टट आराम कर रहा था, आर्कियोलॉजी हैज चेंज सबसिक्वेंटली इन द इंटरविंग डिकेड, फोकसिंग लेस द ट्रेजर एंड द मोर ऑफ द फैसिनेटिंग, अब जो आर्कियोलॉजी हैड चेंज, आर्कियोलॉजी अब बिल्कुल बदल गई थी, पुरातत्व वह बदल गया था, सब्सटेंशियल पूर्ण रूप से क्या था, इन द इंटरविंग, बीच बीच में पूर्ण रूप से, तो बीच के जो डिकेड में पूर्ण रूप से, फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर, जो आर्कियोलॉजी थी, इट वॉज फोकसिंग लेस, फोकसिंग ऑन द ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ द लाइफ, इट्स मीन दे वर रिवीलिंग द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ द लाइफ, इट्स मीन दे आर फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर, यानी उसका खजाने पर ध्यान कम था, बल्कि उसका जीवन का जो रहस्य था उसको खोजने में अब ज़्यादा समय लगाने लगे, एंड इंट्रीग्विंग मिस्ट्री ऑफ डेथ, और मौत की, और जो रहस्य था मौत का, उसकी इंट्रीग्विंग मतलब जान खोजने में, इंट्रीग्विंग मैंने खोजने में, इंट्रीग्विंग, और इट ऑल्सो यूज मोर सोफेस्टिकेटेड डिटेल, और यहाँ पे वो एक विशेष डिटेल भी जो है प्रदान करते हैं, सोफेस्टिकेटेड मीन जटिल, एक है सोफेस्टिकेटेड, देखो जटिल बोलते हैं इसको, इसको तो जटिल, या इसको रिफाइंड भी बोल सकते हैं, रिफाइंड प्योरली, तो यहाँ पे होता है जटिल टूल्स, तो काफ़ी जो है जटिल टूल्स यूज करते, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी वो है शामिल करते इसके अंदर, उसकी मिस्ट्री करने के लिए, मिस्ट्री को रिवील करने के लिए। इन 1968 में मोर देन 14 से भी ज़्यादा आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के बाद, एन ओडोनटोमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी, एन ऑनोटोमी प्रोफेसर एक्सरेट द मम्मी, तो मम्मी का एनोटोमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया, एंड रिवील अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक हैरानी करने वाला फैक्ट जो है उजागर किया, बीनी द रीजन, तो जो रीजन में होता लार, रीजन, रीजन में होता है एक तो तार या सिलेवा, बोर्ड पे भी कराया मैंने ये, तो जो चिपका हुआ पदार्थ जो था, तो उसके नीचे दैट केक ही चेस्ट,
जो उसकी चेस्ट को जो चिपका हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो उसके जो ब्रेस्ट बोन छाती की जो हड्डी और जो फ्रंट रिब जो थी वो गायब थी, इट्स मीन ही वॉज मर्डर्ड। नाउ डायग्नोस्टिक इमेज, अब जो डायग्नोस्टिक इमेज है टुडे, डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज जो डायग्नोस्टिक इमेज है उसका जो डायग्नोस किया गया, तो उसकी जो इमेज है वो कैन बी डन विद द कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी का सीटी स्कैन, उसका सीटी स्कैन क्या देवी डेस नहीं या सीटी स्कैन, बाय विच हंड्रेड ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, जिसके अंदर 100 एक्सरे क्रॉस सेक्शन में इकट्ठे किए गए, लाइक द स्लाइस, एक स्लाइस की भांति, एक पार्ट की भांति, जो ब्रेड का जो पार्ट है, पीस है, उसकी भांति अलग अलग उसके एक्सरे, छोटे छोटे एक्सरे लिए गए, टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल विथ टू, थ्री आयाम का डायमेंशन, थ्री आयाम का उसकी बॉडी का पार्ट को, छोटे छोटे बॉडी के पार्ट के छोटे छोटे एक्सरे लिए गए। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ द टट देन द एक्सरे, तो वट मोर वुड अ सिटी स्कैन, अब सिटी स्कैन क्या और मतलब रिवील करेगा टट का बजाय एक एक्सरे की, भी एक एक्सरे की बजाय जो सिटी स्कैन है वो वट विल इट रिवील मोर देन एक्सरे, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और एक बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है स्टिल लिंगरिंग अबाउट इट, लिंगरिंग माने जो कि पड़ा हुआ, सुस्त पड़ा हुआ, लिंगरिंग, और हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड ही एट द टाइम डेथ, और जब मरा उस वक्त उसकी उम्र क्या थी। द किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, टट की जो मौत जो थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि जो शाही परिवार के लिए भी, ही वॉज द लास्ट फैमिली ऑफ द लाइन, वो अपनी लाइन का, अपनी कैटेगरी का वो लास्ट मेंबर था, एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल द डेंसिटी, और उसकी जो अंत्येष्टि जो थी उसकी मौत की, रेटल द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब राजवंश, उसके राजवंश को रेटल होकर हिला देना, बिखेर देना, उसके जो वंश था, जो राजवंश था, उसको उसने हिलाकर रख दिया उसकी मौत ने। बट द पार्टिकुलर ऑफ द पासिंग अवे एंड इट्स aftermath आर अनक्लियर, बट द पार्टिकुलर ऑफ इज पासिंग अवे, लेकिन उसकी गुजरने की जो विशेष बात थी और उसके जीवन की जो रहस्य थे वो अनक्लियर थे। अमेटन हॉक थर्ड, टट फादर, अमेटन हॉक जो थर्ड जाओ टट का फादर, वॉज द पावरफुल फेरो, वो बहुत ही ताकतवर फेरो था, फेरो ने एक राजा की उपाधि होती है मिस्र में, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड, जिसने लगभग फोर डिकेड तक रूल्ड किया, शासन के डिकेड्स में दशक तक, एट द हाइट ऑफ द 18 ईयर डायनेस्टी गोल्डन एज, और लगभग एट हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी, लगभग 18वीं जो दशक था, जो 18 डायनेस्टी गोल्डन, जो 18वां वंश था गोल्डन एज का, तो उसके समय पर 4 दशक तक उसने शासन किया। ही सन अमेटन हॉफ फोर्थ, उसका जो बेटा अमेटन हॉफ अमेनहोटेप, जो अमेनहोटेप जो था फोर्थ, सक्सीड हिम, वो जो सफल हुआ, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज स्पिरिट्स, इनिशिएटेड मैंने स्टार्टेड उसने स्टार्ट किया वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिज हिस्ट्री, उस अपने इतिहास में एक बड़ा अजीब सा पीरियड उसने स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वन पेज एंड सम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी हैव डन, वी हैव नॉन द सम मेजर पॉइंट्स अबाउट दिस चैप्टर, इट्स बीन द राइटर द कार्टर ऑल्सो ट्राइंग टू रिमूव द मम्मी फ्रॉम द कॉफिन, एंड ही वॉज चिजल इट बिकॉज इट वॉज पेस्टेड
on the invested with the heavy material. So that's why he had to heat it also in the 147 degree Fahrenheit in the sun. Yes, sir. So yes, there are many problems with the mummy, and CT scan also given at that time, and X-ray 1700 X-ray, digital X-ray were taken to reveal the mystery of the death of the Tut. So that's why many important facts also we have read in this part today. And the main purpose of the CT scan and X-ray was at the time to know about the death and how he was died. Was he murdered or death of him by the natural death? So the one fact also revealed here, when the CT scan was done of the Tut, then at that time the fact also came and revealed before us that the left rib also missing. It's been he was murdered. But at the next point they said that his death was natural. So this is the mystery. So about the next part of this we will read in next. So students, read it deeply, okay, so that you must learn it deeply, because it is a very mysterious chapter. So read everything deeply and understand here. Thank you.